हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज सेल्फिक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट मीशो से ऑनलाइन परचेज़ की हुई है, जो कि मुझे ओनली सिर्फ 200 प्लस पर मिली है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट। फाइनली हमारा बॉक्स निकल चुका है। इसका बॉक्स देखने में कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके इसके अंदर का सामान देखते हैं कि कैसा रहता है। वैसे पैकेजिंग तो बहुत अच्छी बनाई हुई है। चलिए देखते हैं कि अंदर में इसके साथ साथ क्या है सेल्फिक्स के साथ। सेल्फिक्स ट्राइपॉड देखने में कुछ ऐसा लगता है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगता है मेरे को। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। मैंने इसे 200 रुपये में परचेस किया है meesho.com से। मुझे देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। इसके ऊपर में एक स्लाइडिंग भी हुई है जहाँ पर हमें मोबाइल को अटैच करना है। वीडियो में देखिए जैसे मैं अटैच कर रहा हूँ वैसे आप भी अटैच कर सकते हैं अपने मोबाइल को। ये ब्लॉगिंग जो ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। जिनके हाथ कैमरा दिखाते हुए हिलते रहता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और इसको कहीं पर रख कर भी वीडियो बनाया जा सकता है दोस्तों, जो कि इस तरीके से है। बैक साइड भी इसका काफ़ी अच्छा दिखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसमें काफ़ी फीचर दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें ऊपर में लाइट दी गई है। जैसे कि वीडियो बनाते हैं वक्त आपको लाइटिंग की प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लगता है। पीछे में इसके स्विच दिया गया है। इसको एक बार प्रेस करने से हाफ लाइट जलती है, दो बार प्रेस करने से फुल लाइट जलती है। चलिए इसके पैर को मोड़ते हैं और इसे सेल्फी स्टिक बनाते हैं। फाइनली हमारी सेल्फी स्टिक तैयार हो चुकी है, जो कि देखने में कुछ ऐसी लगती है। चलिए इसकी लाइट को ऑन करके देखते हैं कैसा लगता है देखने में, जो कि काफी ऑसम लगता है दोस्तों देखने में। सेल्फी स्टिक की लाइट को जलाते हैं तो इसे सेल्फी लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइटिंग। ट्राइपॉड बनाते हैं इसके पैरों को बाहर निकाल कर, जो कि देखने में कुछ ऐसा लगता है दोस्तों। इसके नीचे एक स्विच दी गई है जिसमें एक लाइट जल रही है। मुझे तो नहीं पता ये किस काम आता है, आपको पता हो तो आप कमेंट कर कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इसके नीचे एक स्विच दिया है जो कि दबाने से ये लाइट जल रही है। मुझे इसके बारे में पता नहीं है तो शायद आपको पता हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसे दबाने से पुश करने से आसानी से नीचे आ जाता है और इसे उठाने से आसानी से ऊपर भी आ जाता है।
फाइनली इसके लास्ट पार्ट पर आते हैं। इसके ऊपर लाइट के ऊपर एक यूएसबी केबल दिया गया है जिससे इसे चार्ज किया जा सकता है। आप अपने कोई से भी मोबाइल चार्जर में इसे अटैच करके इसे चार्जिंग में लगा सकते हैं। वीडियो पर पहली बार आया है तो लाइक कीजिए दोस्तों इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।